हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्रीन ग्लिटर स्मोकी आई बहुत इजीली आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आईब्रो बना रही हूँ और मैंने इसके लिए हमेशा की तरह ये आईब्रो पोमेड लिया है जो कि बेनिफिट का है और बहुत अच्छा आईब्रो पोमेड है ये। इस तरह से ये इसके साथ में ब्रश आता है, बहुत ही स्मॉल और कन्वीनियंट ब्रश है ये। तो इसकी हेल्प से हम इस तरह से यहाँ पे आईब्रो को फिल कर देंगे। और अब यहाँ पे मैंने लोरियल का लिया है कंसीलर और ये फुल कवरेज कंसीलर है। तो यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से मैं इस तरह से कंसीलर सबसे पहले आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ जिससे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी आईब्रो लगने लगेगी। और आईब्रो ब्रश है ये जोइवा का है। और यहाँ पर मैंने ये आईब्रो सेटर लगाया है जो कि जोइवा बेनिफिट का है ये। तो आईब्रो हमारी बिल्कुल जगह पर रहेंगी। और यहाँ दोबारा से मैंने सेम कंसीलर लिया है और इसको ये मैंने इस तरह से यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। तो इस तरह से पूरी आईज पर हम इसको लगा देंगे इस तरह से। और हल्का सा ये लूज पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट और इसकी हेल्प से हम इसको लगा देंगे इस तरह से। बहुत ही लाइटली लगाना है हमको। और ये शेड मैंने लिया है अब, और ये मैंने लिया है मॉर्फी का जेक्लिन हिल पैलेट। और इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा कलर लेके, जैसे कि आपने देखा कि सेंटर से स्टार्ट करते हुए हमें दोनों तरफ इक्वली ब्लेंड करना है, इसी तरह से हम थोड़ा कलर ले लेकर और इसको इक्वली इस तरह से ब्लेंड करते जाएंगे। अब दूसरा शेड मैंने लिया है थोड़ा सा येलो अंडरटोन जैसा ब्राउन है ये। तो इसको मैं इसके ऊपर ही थोड़ा सा लगा के और इस तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब ये मैंने थोड़ा सा डीप ब्राउन कलर लिया है यहाँ पर और इसको मैं लगा रही हूँ। सेम मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर इसको लगा रही हूँ। आईलिट के जस्ट ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लेके हर बार ब्लेंड करेंगे और इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। इसके बाद में मैंने ग्रीन शेड लिया है ये मैट वाला जो कि दूसरा पैलेट था। आप कोई भी ग्रीन शेड जो आपके पास है किसी भी पैलेट में आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश का यूज़ किया है और इसको मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ इस कलर को। चाहे तो आप कोई भी दूसरा शिमरी शेड या कोई और शेड आप ले सकते हैं। और अब दोबारा से इसी पैलेट में मैंने ये डार्क ग्रीन शेड लिया है और इसको भी मैं सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको मैं आउटर थर्ड में लगाऊंगी आउटर वी बनाने के लिए। और इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको मैं पूरा ऊपर तक क्रीज में लेके नहीं जा रही हूँ, इसको मैंने ज़्यादातर जो है वो आईलिट पे ही रखा है। और बहुत हल्का हल्का मैं इस तरह से यहाँ पर इसको ब्लेंड कर दूंगी। और दोबारा से हमने सेम ब्रश ही लिया है, इसके हेल्प से हम इसको यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे। और अब यहाँ पे ग्लिटर लिया है मैंने और ग्लिटर ग्लू लिया है मैंने नेक्स्ट का। तो इसको मैं सेंटर में ही लगा रही हूँ, पूरी आईज पर नहीं लगा रही। तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर लिया है ये मेकअप रेवोल्यूशन का और इसको मैं यहाँ सेंटर में लगा रही हूँ इस तरह से। कैमरा पे ये ग्रीन कलर हमेशा अजीब सा म्यूटेड दिखता है जबकि रियल में बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर है। तो बहुत ही अच्छा लगता है लगाने के बाद में। और इसके बाद लाइनर मैंने लिया है एसेंस का और इस तरह से यहाँ पर हम एक विंग्ड लाइनर हम बना देंगे। तो इसको लगा देंगे इस तरह से। और ये मस्कारा लिया है मैंने और ये बेनिफिट का मस्कारा है, ये इनका नया लॉन्च हुआ है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, सेफोरा पे आई थिंक आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मस्कारा लगा देंगे हम। और अब दोबारा से ये वाला मैंने शेड लिया है जो हमने सबसे पहले लगाया था और इसको लेकर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबसे पहले। और अब हम ये ग्रीन वाला शेड लेंगे। तो इसको भी पेंसिल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो इस तरह से लोअर लैश लाइन पे ये ग्रीन वाला शेड भी हम इस तरह से इसको लगा देंगे और साथ में इसको हल्का सा ब्लेंड भी करते जाएंगे जिससे कि बिल्कुल भी हार्श लाइन वगैरह ना दिखे। और अब ये लिया है मैंने हाइलाइटर जो कि वेट एंड वाइल्ड का है, प्रेशियस पेटल्स इसका नाम है। इसको मैं सबसे पहले आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ और अब इसको इनर कॉर्नर में मैंने लगाया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन पेंसिल ली है जो कि बोर्जुआ की है और इसको मैं लगा रही हूँ इस तरह से वॉटर लाइन में।
तो यहाँ पे लगा देंगे इसको हम। और मस्कारा लगा देंगे यहाँ पर जो कि हमने पहले लगाया था। और इसके बाद में लैशेस मैंने लगाई हैं और ये आई फ्लॉन्ट की लैशेस हैं, तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लैशेस लगा दी हैं मैंने और बस ये लुक कंप्लीट है ग्रीन कलर का। तो आप किसी भी ग्रीन कलर की ड्रेस वगैरह के साथ इसको मैच कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल इस तरह के और भी मेकअप के वीडियोस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।